आरबीएनएल का Q2 का रिजल्ट आया है और यहाँ पे एक डिविडेंड भी दिया है, तो बोल सकते हैं कि आरबीएनएल जो है अभी फिलहाल मार्केट में जबरदस्त चल रहा है। इस स्टॉक ने जो है इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे जो अभी Q2 का रिजल्ट आया और इसका जो डिविडेंड दिया गया है, एक जबरदस्त डिविडेंड यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आरबीएनएल के शेयर में अभी तेजी बन सकता है क्या? तो आरबीएनएल के शेयर में अभी क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे अपडेट्स आरबीएनएल को लेकर हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कृपया स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल की नवोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट दोस्तों एक दिन में आरबीएनएल के शेयर में 2.8% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही एक हफ्ते के अंदर 1.4% का तेजी बनाया है और एक महीने के अंदर 5.5% के जो यहाँ पे गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल आरबीएनएल के शेयर को मिड रेंज परफॉर्मर कहा जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी 60 है इसका आउट ऑफ 100 एंड वैल्यूएशन जो है 32.80 आउट ऑफ 100, मोमेंटम 52.50 आउट ऑफ 100। टेक्निकली बात करते हैं आरबीएनएल के शेयर का, तो टेक्निकली जो है बोल सकते हैं कि दोस्तों ये शेयर जो है अभी एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है। फिलहाल RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है एक मतलब बेयरिश लेवल बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक दिन में देखते हैं आरबीएनएल के शेयर में जो लो प्राइस दिया है 155.30 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है वो है 159 रुपीज़ का। एक हफ्ते का जो लो प्राइस है इसका वो है 154.10 पैसे का और जो हाई प्राइस है 164.40 पैसे का। एक महीने का जो लो प्राइस है 142.20 पैसे का और जो हाई प्राइस है 174.20 पैसे का। तो यहाँ पे फिलहाल आरबीएनएल का शेयर बोल सकते कि दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट बना। इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे आरबीएनएल पे जिन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा प्राइस में स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। यहाँ पे BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखते हैं आरबीएनएल के शेयर का जो कि 11.4 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 38.9% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 4.4 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है 13.6 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 33.6% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 4.6 मिलियन का है। एक महीने का BSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है 16.1 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 28.7% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 4.6 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएनएल का जो अभी Q2 का रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो आरबीएनएल जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोस्तों जो रिजल्ट पोस्ट किया है इसके साथ जो आपको एक डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आरबीएनएल देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो इसका 3.5% जंप देखने को हुआ है, जंप हुआ है जहाँ पे 394 करोड़ का इसका हुआ है और रेवेन्यू जो है फ्लैट है जो कि 4,914 करोड़ का है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इसका 3.5% बढ़ा है 394 करोड़ का, रेवेन्यू फ्लैट है 4,914 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएनएल का रिजल्ट का क्या अपडेट है, तो आप देख सकते हैं कि आरबीएनएल मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड जो है नवंबर 9 को ये 3.5% राइज ऑन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2023। तो अभी यहाँ पे Q2 2024 का जो रिजल्ट आया है इसमें जो कंसोलिडेट इसका बोल सकते कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें 3.5% का जंप देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है जंप जो यहाँ पे हुआ है इसका कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 394.4 करोड़ का है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि द राइज इन प्रॉफिट वॉज डिस्पाइट द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेनिंग फ्लैट वेन कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इसका मतलब जो कि लास्ट ईयर को इसका रेवेन्यू हुआ था वो था 4,914.32 करोड़ का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो बोल सकते कि इसका जो अभी रेवेन्यू हुआ है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 33.4% ईयर ऑन ईयर राइज इन इनकम फ्रॉम अदर ऑपरेशन टू रुपीज 296 करोड़ ऑल्सो हेल्प 4% ईयर ऑन ईयर इनकम जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है ऑपरेशन से। अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कंपनी जो है उसका जो नेट प्रॉफिट है आरबीएनएल का नेट प्रॉफिट 15% बढ़ गया है जो कि 343 करोड़ था ड्यूरिंग क्वार्टर एंडिंग जून 2023। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पहले के इसके से देखेंगे तो क्वार्टर में जो था वो 343 करोड़ था, तो अभी यहाँ पे जो उसमें 15% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखते हैं आरबीएनएल का जो कि डिक्लाइन हुआ है लगभग 12% के आसपास। आरबीएनएल का देखेंगे यहाँ पे जो आरबीएनएल हैज सीन इट्स टॉप लाइन फॉल जहाँ पे फॉर 2 straight quarters इन रो, मतलब इसका जो आरबीएनएल का जो अभी रिजल्ट आया है उतना ज़बरदस्त फिलहाल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज रेवेन्यू जो है जो जहाँ पे गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है 5,719.9 करोड़ से यहाँ पे 4,914 करोड़ हुआ था लास्ट क्वार्टर को। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी का जो है बताया जा रहा है कि एनालिस्ट हैड रेज्ड कंसर्न ओवर द कंपनीज फॉलिंग टॉप लाइन एंड
following its result. RBL shares had fallen over 1% in the morning's raid in August 14. तो यहाँ पे कंपनी का RBL का जो रिजल्ट आया है उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है. तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो कंपनी का मतलब RBL का जो शेयर है उसमें थोड़ा बहुत और गिरावट बन सकता है. तो दोस्तों अभी यहाँ पे RBL की ओर से जो डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे RBL जो यहाँ पे 0.36% के आसपास एक डिविडेंड दे रहा है इन्वेस्टर्स को. तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो RBL अभी तक कोई शेयर ये होल्ड करता है तो अभी तक RBL ने जो है 8 डिविडेंड्स दिया है इन्वेस्टर्स को. एंड इन द पास्ट 12 मंथ्स द इक्विटी डिविडेंड अमाउंट्स जो है वो 2.13% के आसपास है. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिविडेंड एक ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल जाता है और शेयर जो है हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से भी गिरावट बनाए. अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं RBL को लेकर, जहाँ पे कंपनी देख सकते हैं RBL जो है यहाँ पे Company has delivered good profit growth of 20.3% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout जो कि 33.0% के आसपास है. अभी यहाँ पे promoters का यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, जहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर जो कि माइनस में 5.36%. अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 1208 करोड़ का है. तो अभी यहाँ पे RBL का थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं. जैसे देखने को मिल रहा है कंपनी का जो यहाँ पे ग्रोथ है या फिर बोल सकते कि जो रिजल्ट आया है उतना ज़बरदस्त देखने को नहीं मिला. सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, RBL का सेल्स जो है 5,572 करोड़ से घट के 4,914 करोड़ का हुआ है. एक्सपेंसिस की बात 5,222 करोड़ से घटके 4,616 करोड़ का हुआ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 349 करोड़ से घटके 298 करोड़ हुआ है. तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है उसमें भी गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है. अभी बात करते हैं इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 487 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ के 480 करोड़ हुआ है. एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 343 करोड़ से बढ़ के थोड़ा सा जो है यहाँ पे 394 करोड़ के आसपास हुआ है. तो बहुत ज़बरदस्त नहीं बोल सकते हैं कि RBL के शेयर ने जो है आपको रिटर्न मतलब या फिर बोल सकते रिजल्ट पोस्ट किया है. तो यहाँ पे प्रोमोटर जो है RBL का, प्रोमोटर्स के पास आप देख सकते हैं 78.20% के आसपास का स्टेक था. तो प्रोमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ा स्टेक घटाया है जो कि 72.84% का स्टेक किया था. एंड यहाँ पे दोस्तों FIS जो FIS के पास 75% का स्टेक था, FIS ने जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 2.32% का स्टेक कर दिया है. DIS के पास 5.75% का स्टेक था, DIS ने 5.83% का स्टेक कर दिया है, स्टेक जो है DIS ने बढ़ा दिया है. पब्लिक के पास 14.30% का स्टेक था तो पब्लिक ने जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 19.01% का कर दिया है. तो दोस्तों RBL का रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे बोल सकते अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल रहा है. स्टॉक हो सकता है RBL का जो शेयर है यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट बनाए. आपको क्या लगता है RBL के शेयर को लेकर जरूर आप कमेंट करके बताइए. और डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए. रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है. उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए.